आपका स्वागत है जीएस विजन में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार साथियों, जीएस विजन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अरविंदर सिंह। आज हम करंट में चल रहे एक टॉपिक दल बदल कानून पे चर्चा करेंगे। दल बदल कानून क्या है, दल बदल का संविधान में क्या प्रावधान है और दल बदल संविधान संशोधन विधेयक भारत में क्यों लाया गया, आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय यही रहेगा। दल बदल के इतिहास को लेकर अगर हम बात करेंगे तो इसके कारण अनेक बार भारतीय राजनीति में उथल पुथल देखने को मिलती है। सामान्यतः ऐसी उथल पुथल तभी देखने को मिलती है जब कभी विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। तब पार्टियां अपना अपना बहुमत साबित करने के लिए निर्वाचित सदस्यों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। दल बदल का व्यापक रूप भारतीय राजनीति में 1967 में देखने को मिलता है। जब अनेक राज्यों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला तब छोटे छोटे स्थानीय दलों ने मिलकर अपनी सरकारें बनाई, जिसके बाद कांग्रेस ने इन स्थानीय दलों के प्रतिनिधियों को अपनी ओर मिलाया और पुनः कांग्रेस ने वहाँ पर अपनी सरकार बनाई। तो इस प्रकार से दल बदल जो है ये एक व्यवस्था भारतीय राजनीति में लागू हो जाती है। 1967 में इसका एक उदाहरण है, हरियाणा के एक नेता थे गयालाल। गयालाल 1967 में 3 बार दल परिवर्तन करते हैं और इसके बाद 1967 के बाद इसका अनेक बार प्रयोग हुआ। सरकारें तेज़ी से गिरने लग गईं, भारत में राजनीतिक अस्थिरता आ गई, जिस बात को हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने समझा और भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन किया गया जो 1985 में हुआ 1985, और 1 मार्च 1985 को 1985 को यह संविधान संशोधन भारत में लागू हो जाता है। इस संविधान संशोधन के साथ भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल संबंधी प्रावधान से संबंधित है, और इसके साथ ही 52वां संविधान संशोधन से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 में भी संशोधन किया गया। तो ये तो था दल बदल भारत में क्यों लाया गया, क्योंकि भारतीय राजनीति में अस्थिरता आ चुकी थी। आए दिन दल बदल दल परिवर्तन नेता चुने हुए प्रतिनिधि करते रहते थे तो सरकारों में अस्थिरता थी, और जब सरकारों में अस्थिरता होगी तो सरकार कोई ठोस निर्णय भी नहीं ले पाएगी। अब 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान को जोड़ दिया गया। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि 10वीं अनुसूची या दल बदल के अंतर्गत मूल प्रावधान क्या थे या और वर्तमान में क्या हैं। अगर मैं दल बदल संबंधी प्रावधानों की बात करूं तो मूल प्रावधान जो हैं वो मेनली 6 प्रावधान हैं इसके। सबसे पहला प्रावधान ये है कि मतलब कि किसे हम दल बदलू बोलेंगे, यानी कि कौन दल बदल की परिभाषा में आएगा, हम सबसे पहले उसको जानेंगे। जो दल बदल की परिभाषा में आएगा मैं उसको अपनी लाइन में अपनी एक लाइन में बोलूंगा कि वो दल बदलू है। सबसे पहला प्रावधान ये है कि अगर कोई दलीय एमएलए या एमपी है, अब एमएलए और एमपी मैंने जोड़ दिया तो एमएलए मतलब विधानसभा में और एमपी मतलब संसद में, मतलब चुना हुआ है, और दलीय है तो मतलब किसी दल विशेष से चुना गया है। अगर कोई दलीय एमएलए या एमपी है और वो निर्वाचित होने के बाद अपनी स्वेच्छा से अपनी इच्छा से अपने दल से त्यागपत्र देता है, अगर कोई दलीय एमएलए या एमपी निर्वाचित होने के बाद स्वेच्छा से अपने दल से त्यागपत्र देता है तो वो दल बदलू कहलाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब ये एमएलए एमपी चुना गया था तो ये किसी दल का सदस्य था, और जब ये चुना गया था तो ये किसी दल के सिंबल पर चुना गया था, और जब जनता ने उसको वोट किया था तो जनता ने इसको किसी दल के प्रतिनिधि होने के नाते वोट किया था। तो अब जब ये उस दल की सदस्यता को छोड़ रहा है तो इसकी जो है मेंबरशिप भी चली जाएगी, एमएलए और एमपी से इसकी मेंबरशिप भी खत्म हो जाएगी, मतलब इसको हम दल बदलू कहेंगे। दूसरा प्रावधान क्या बोलता है कि अगर कोई दलीय
एमएलए या एमपी है वो पार्टी विप का उल्लंघन करता है। अब विप को हिंदी में सचेतक कहते हैं। अब इससे पहले कि सचेतक क्या है यानी कि विप क्या है, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो पार्टी विप या सचेतक एक पार्टी आदेश होता है। पार्टी अपने सदस्यों के लिए, निर्वाचित सदस्यों के लिए एक आदेश जारी करती है, जैसे कि इस तारीख को इस बिल पे चर्चा होगी तो सभी लोग उस दिन मौजूद रहेंगे, तो एक पार्टी विप हो गया कि भाई उस दिन इस बिल पे चर्चा करनी तो सभी लोग मौजूद रहेंगे। और किसे मतदान देना है आपने, ये पार्टी विप हो गया। सदन में क्या बोलना है, ये पार्टी विप हो गया। सदन में क्या आचरण करना है, ये पार्टी विप हो गया। तो अगर कोई पार्टी विप जारी करती है और कोई दलीय एमएलए या और एमपी उस विप का उल्लंघन कर देता है, उसके बाद अगर पार्टी उसे 15 दिन के अंदर माफ नहीं करती है, ये भी बात ध्यान रखना, अगर पार्टी उसे 15 दिन के अंदर माफ नहीं करती है तो वो दल बदलू कहलाएगा, और अगर पार्टी 15 दिन से पहले उसे माफ कर देती है तो वो दल बदलू से बच जाएगा। तीसरा प्रावधान जो दल बदल में है वो ये बोलता है कि अगर कोई स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट एमएलए या एमपी था, यानी कि हम इसको निर्दलीय भी कह सकते हैं, कोई निर्दलीय एमएलए या एमपी था, वो चुना गया और चुने जाने के बाद वो किसी पार्टी की सदस्यता धारण कर लेता है। माना कि जब वो चुना गया तब वो ना तो बीजेपी से था ना कांग्रेस से था, लेकिन जब वो चुना गया तो उसके बाद उसने या तो बीजेपी को ज्वाइन कर लिया या कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। तो मतलब आप जब चुने गए तो आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, लेकिन उसके बाद आप किसी पार्टी की सदस्यता को ज्वाइन कर लेते हैं तो दल बदलू के केस में आप आ जाएंगे। चौथा प्रावधान किसके लिए है कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं, चूँकि आप लोग को पता ही है कि राष्ट्रपति लोकसभा में भी मनोनीत करता है और राज्यपाल विधानसभा में मनोनीत करता है, अगर कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने बाद, ध्यान रखना आप ये बात, कितने महीने बाद, 6 महीने बाद किसी सदन की सदस्यता को लेता है तो वो दल बदलू कहलाएगा। तो मनोनीत सदस्य के लिए विशेष बात यह है, अगर वो 6 महीने बाद किसी सदन की सदस्यता को धारण कर लेता है तो वो दल बदलू कहलाएगा। उसके बाद एक और प्रावधान है, पांचवा प्रावधान, इसको मैं बोलता हूं पार्टी विवाद। अब देखिए पार्टी विवाद क्या है। पार्टी विवाद माना कि पहली बात तो ये पांचवा प्रावधान जो है ये सिर्फ और सिर्फ संसदीय पार्टी के लिए है। मतलब ये जो संसदीय पार्टियां हैं हमारे यहां पर जितनी भी, ये प्रावधान सिर्फ उसी पर लागू होता है। अगर किसी संसदीय पार्टी के 1/3 से कम सदस्य, मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर किसी संसदीय पार्टी के 1/3 से कम सदस्य एक साथ अपने दल से त्यागपत्र देते हैं, अगर किसी संसदीय पार्टी के 1/3 से कम सदस्य अपने दल से एक साथ त्यागपत्र देते हैं तो वो दल बदलू कहलाएंगे। 1/3 से कम, अगर 1/3 या इससे अधिक हैं तो वो दल बदलू नहीं कहलाएंगे। इसका मतलब है कि अगर 1/3 से कम हैं तो वो दल बदलू कहलाएंगे, 1/3 या इससे अधिक हैं तो वो दल बदलू नहीं कहलाएंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बात सिर्फ और सिर्फ संसदीय पार्टी पर ही लागू होती है। छठा प्रावधान यह बोलता है कि पार्टी विलय बोलते हैं उसको, पार्टी यानी कि मर्जिशन। पार्टी विलय का प्रावधान क्या है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 से कम सदस्य हैं, अब वहां पर मैंने 1/3 लिया और यहां पर 2/3 ले रहा हूं, अगर किसी पार्टी के 2/3 से कम सदस्य एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं, एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं 2/3 से कम सदस्य, तो वो दल बदलू कहलाएंगे। अगर 2/3 से ज्यादा है तो वो दल बदलू नहीं कहलाएंगे। मतलब दल बदलू तब कहलाएंगे अगर 2/3 से कम सदस्य अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में जाते हैं तो वो दल बदलू कहलाएंगे, अगर 2/3 से अधिक हैं तो वो दल बदलू के दायरे से बाहर हो जाएंगे। ये मूल प्रावधान ये थे शायद कि दल बदल के दायरे में कौन कौन आएगा और दल बदल किस किस पे लागू होगा। फिर सवाल ये उठा कि दल बदल के मामले में फैसला कौन करे कि भाई ये दल बदल है कि नहीं है। तो 52वां संविधान संशोधन जो है ये शक्ति देता है पीठासीन अधिकारी को।
अब पीठासीन अधिकारी मतलब जैसे कि लोकसभा में स्पीकर हो गया, राज्यसभा में सभापति हो गया, विधानसभा में स्पीकर हो गया, है ना, विधान परिषद में सभापति हो गया, कि दल बदल के मामले में जो अंतिम निर्णय लेना है वो पीठासीन अधिकारी को लेना है, और मतलब जो अंतिम निर्णय है वो पीठासीन अधिकारी का है। फिर मूल प्रावधान ये भी बोलता है कि पीठासीन अधिकारी जो भी निर्णय लेगा उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। मतलब दल बदल के मामले में अंतिम निर्णय पीठासीन अधिकारी का होगा, उसने जो बोल दिया वही होगा। और चूंकि हम सभी जानते हैं कि पीठासीन अधिकारी सत्ता पार्टी से होता है, जिसकी सरकार होती है उसी का स्पीकर भी होता है, तो हमने ये देखा कि अनेक बार पीठासीन अधिकारी ने अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग किया अनेक बार। 1993 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस हुआ था, उस केस का नाम था किहोतो होलोहोन बनाम जा चिल्लियू केस, किहोतो होलोहोन बनाम जा चिल्लियू केस 1993। इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि दल बदल के मामले में अंतिम फैसला पीठासीन अधिकारी का ही होगा, लेकिन पीठासीन अधिकारी के फैसले को आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि पीठासीन अधिकारी के फैसले का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, और आज भी यही स्थिति जो है पाई जाती है। तो आज स्थिति क्या है कि दल बदल के मामले में अंतिम फैसला पीठासीन अधिकारी का होगा, और कि हो तो होलोहोन केस के अनुसार पीठासीन अधिकारी के निर्णय को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। एक और संशोधन किया गया था, 91वां संविधान संशोधन 2003 में। इस संविधान संशोधन के द्वारा ये जो एक तिहाई से कम सदस्य एक संघ त्याग पत्र देंगे तो वो दल बदलू कहलाएंगे, एक तिहाई से अधिक होंगे तो वो दल बदलू नहीं कहलाएंगे, तो जो एक तिहाई सदस्य वाली जो कंडीशन थी ना, इसको समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब दल बदल की परिभाषा में ये दो तिहाई वाली कंडीशन बची है कि अगर दो तिहाई या उससे अधिक सदस्य एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वो दल बदलू नहीं होंगे, उससे कम होंगे तो वो दल बदलू कहलाएंगे। दल बदल कानून के मामले में आपका इतिहास था, यह संवैधानिक प्रावधान था, और ये जो बाद में उसमें संशोधन हुए हैं वो संशोधन थे। अंत में मैं कुछ बातें और करना चाहूँगा कि दल बदल के मामले में क्या क्या भारत में राय आती है। एक समिति बनी थी, दिनेश गोस्वामी समिति, बहुत कम लोग जानते हैं इसको, याद रखिएगा, दिनेश गोस्वामी समिति 1990। दिनेश गोस्वामी समिति ने बोला था कि दल बदल के मामले में अंतिम निर्णय केंद्र में राष्ट्रपति को करना चाहिए और राज्य में राज्यपाल को करना चाहिए। मतलब गोस्वामी समिति ये बोलती है कि दल बदल के मामले में अंतिम निर्णय पीठासीन अधिकारी की जगह राष्ट्रपति या राज्यपाल करे, लेकिन राष्ट्रपति या राज्यपाल ऐसा निर्णय चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर ही करे, अपने विवेक से न करे, वो निर्वाचन आयोग की सिफारिश से करे। फिलहाल समिति ने रिपोर्ट दी थी, तो आपको बताइए कि वर्तमान प्रावधान है क्या। दूसरा, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन, उसका मानना यह है कि दल बदल के मामले में जो अधिक शक्ति है वो इसको देनी चाहिए, यानी कि दल बदल के मामले में क्या करना है क्या नहीं करना है वो पीठासीन अधिकारी के स्थान पर निर्वाचन आयोग बोल रहा कि हमें दे दो, हम खुद देखते हैं इसमें क्या करना है। अब अंत में हमारी राय क्या है, यानी कि मेरी व्यक्तिगत राय क्या है दल बदल के मामले में। देखिए, अगर हम बात करें तो अगर मैंने किसी MLA MP को वोट दिया था तो मैंने उसको किसी दल का प्रतिनिधि होने के नाते वोट दिया था। माना कि मैंने किसी MP MLA को वोट किया और मैं BJP सपोर्टर हूँ, मैंने उसको वोट किया और वो जीत भी गया, लेकिन मैंने तो उसको BJP का कैंडिडेट होने के नाते वोट किया था, लेकिन वो जीतने के बाद दल परिवर्तन कर लेता है, यानी कांग्रेस में चले जाता है, तो मेरी जो वोट थी, जो मैंने जो समझ के उसको वोट दिया था, उसका क्या हुआ। तो हम मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि अगर किसी को दल परिवर्तन करना है तो सबसे पहले वो निर्वाचित सदस्य या तो MLA होगा या MP होगा, सबसे पहले अपनी MLA और MP पद से रिजाइन दे। सबसे पहले तो MLA MP पद से रिजाइन देने के बाद अपने दल से रिजाइन दे,
फिर उस दल को ज्वाइन करे जिसको वो ज्वाइन करना चाहता है, जिसमें वो शामिल होना चाहता है। अब उस दल को ज्वाइन करने के बाद उस दल से पुनः चुनाव लड़े, क्योंकि इससे ये हो रहा ना कि अगर मैंने किसी को बीजेपी कैंडिडेट के रूप में वोट दिया था, कल को वो कांग्रेस में चला गया, तो मुझे लगेगा यार मैंने तो बीजेपी कैंडिडेट होने के नाते वोट दिया था और आज ये कांग्रेस में जा चुका है। तो वास्तविकता तो ये बनती है कि पहले आप MLA MP पद से रिज़ाइन दीजिए, उसके बाद आप उस दल की सदस्यता से रिज़ाइन दीजिए, और उसके बाद आप जिस दल को शामिल होना चाहते हैं उस दल में जाइए और दोबारा चुनाव लड़के फिर असेंबली में आइए। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है। आपका मानना क्या है आप नीचे इसमें कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि इस लॉकडाउन जैसी अवस्था में हम आपके लिए नए से नए वीडियो बना के आप लोगों के लिए लाते रहें। धन्यवाद।